दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सेवा जय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज है 24 सितंबर 2024 मंगलवार। दोस्तों मंगलवार इस कॉटन बाजार के लिए मंदी का रहा, ना केवल कॉटन बाजार, बिनोला यानी कॉटन सीड के अंदर भी गिरावट देखी गई और कॉटन खल यानी कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी गिरावट का माहौल रहा। तो दोस्तों कॉटन के अंदर शानदार तेजी के बाद अब गिरावट आज दर्ज हुई है। ये लगातार दूसरा दिन है जब भारतीय बाजारों में कॉटन के दाम गिरे हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के दाम पिछले सप्ताह तेज देखे गए थे। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी का विश्लेषण नहीं है, वो रिपोर्टिंग है। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि आपको बाजार की खबरों से रूबरू कराया जाए, साथ साथ आपको अग्रिम विश्लेषण भी दिया जाए। लेकिन विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आप कॉटन मिलर्स हैं, कॉटन स्पिनर हैं, जीनर हैं या फिर टेक्सटाइल वीवर हैं तो आप, या फिर कॉटन के होलसेलर्स हैं तो आपके लिए हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट फायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद में 29 शंकर 6 किस्म की कॉटन में मंगलवार को 400 रुपये के भाव कमजोर होकर भाव 59,000 से 59,500 रुपये प्रति कैंडी हो गए हैं। दो दिनों में कॉटन की कीमतों में 550 रुपये प्रति कैंडी का कमजोरी यानी मंदा देखा जा चुका है। पंजाब में बात करें तो रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव कमजोर होकर 5850 से 5875 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। हरियाणा में रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव नरम होकर 5775 से 5800 रुपये प्रति मन बताए जा रहे हैं। अपर राजस्थान में रुई के हाजिर डिलीवरी के भाव घटकर 5500 से 5950 रुपये बताए जा रहे हैं। खैरतल लाइन के अंदर कॉटन के भाव 58300 से 58500 रुपये प्रति कैंडी बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर उत्तर भारत में चाहे अपर राजस्थान हो या लोअर राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कॉटन हो या पंजाब, यहाँ पर कॉटन के दाम कमज़ोर देखे गए हैं। जबकि देशभर में की मंडियों की बात करें तो कपास की आवक 13,600 बेल्स की हुई और एक बेल 170 किलो की मानी जाती है। जहाँ तक फ्यूचर मार्केट की बात करें तो घरेलू वायदा बाजार जो MCX के साथ साथ NCDX पर आज शाम कॉटन की कीमतों में गिरावट का रुख देखा गया। और लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ICE के यानी अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के अंदर कॉटन की कीमतों में मजबूती देखी गई। दूसरी ओर स्पिनिंग मिल्स की मांग कमजोर बनी रहने से गुजरात के साथ उत्तर भारत के सभी राज्यों में कॉटन की कीमतों में लगातार दूसरे दिन कमजोरी देखी गई। इसका प्रमुख कारण नई फसल बिल्कुल बाजारों में आनी चालू हो गई है, इसलिए स्पिनिंग मिल कॉटन की खरीद में सीमित मात्रा में कर रही है और इससे कीमतों पर दबाव बना है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि चालू सीजन में कपास की बुआई में कमी है जिसके कारण उत्पादन का अनुमान घटने की संभावना हो गई है, लेकिन अगले महीने आवक में लगातार वृद्धि होगी और अक्टूबर के सौदे अभी नीचे के दामों में होने के समाचार मिल रहे हैं। और कॉटन की कीमतों में दो दिन के अंदर मंदी से अब व्यापारी और किसान सतर्क हो गए हैं। हरियाणा व राजस्थान की मंडियों में नई कपास की आवक शुरू होने के समाचार हैं। यदि मौसम अनुकूल रहा तो पंजाब की मंडियों में नई फसल की आवक आने वाले दिनों में बन जाएगी। दोस्तों यदि हम कपास की बिजाई की बात करें तो कृषि मंत्रालय ने जो 13 सितंबर तक कपास की बुआई के जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक 9.06% घटकर 112.48 लाख हेक्टर में हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये 123.69 लाख हेक्टर में कपास की बिजाई हुई थी, यानी 123 के मुकाबले 112 लाख हेक्टर। विदेशी बाजारों में यदि हम बात करें तो खाद्य तेलों की कीमतों में दूसरे दिन भी तेजी का रुख रहा, जबकि घरेलू बाजार में कॉटन वाश की कीमतें स्थिर से तेज हुई और कॉटन वाश में भाव तेज होकर 1225 रुपये प्रति 10 किलोग्राम हो गए हैं। अकोला में कॉटन वाश की कीमत 1215 से 1220 रुपये प्रति 10 किलो और गुजरात में कॉटन वाश डिलीवरी के दाम 1225 से रुपये प्रति 10 किलो के भाव स्थिर बताए जा रहे हैं। दूसरी यदि हम कॉटन सीड की बात करें यानी बिनोला की, तो तेल मिलों की कमजोर मांग होने से बिनोला की कीमतें उत्तर भारत में नरम हो गई हैं। हरियाणा में बिनोले के भाव 50 रुपये घटकर 3400 रुपये से 3700 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं और गंगानगर लाइन में बिनोला के भाव 50 रुपये प्रति क्विंटल कमजोर होकर 3400 से 3900 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। बिनोला के दाम पंजाब में भी 100 रुपये घट गए हैं और ये 3400 से 3600 रुपये प्रति क्विंटल की बात की जा रही है।
अभी हम कैटल फीड की बात कर लेते हैं। पशु आहार की का मांग घटने से कपास खली की कीमतें भी नरम बताई जा रही हैं और बीड में रेगुलर क्वालिटी कपास खली की कीमत 30 रुपये कमजोर होकर 3850 से 3950 रुपये प्रति क्विंटल रह गई है। बालानगर में कपास की खली के दाम 30 रुपये कमजोर होकर 3860 रुपये प्रति क्विंटल रह गए हैं। दोस्तों हम कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल के देश के विभिन्न हिस्सों के भावों को भी विस्तृत रूप से चर्चा कर लेते हैं। कॉटन सीड यानी बिनोला के भाव नॉर्थ जोन के अंदर बरेटा में 3900 से 4200 रुपये, मोर मंडी 3800 से 3900 रुपये, मनसा 3700 से 3900 रुपये, संगरूर 3700 से 3900 रुपये है, लेह गंगा के अंदर 3900 से 4200 बताए जा रहे हैं और बठिंडा में 3900 से 4200 रुपये के भाव बिनोला के यानी के भाव बताए जा रहे हैं। अब हरियाणा की तरफ बात करते हैं तो आदमपुर के अंदर 3575 से 3775, मेहम 3575 से 3725 और उकलाना 3625 से 3725 के भाव बताए जा रहे हैं। चरखी दादरी में 3575 से 3675 रुपये कॉटन सीड यानी बिनोला के भाव बताए जा रहे हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ में 3675 से 3825, बीकानेर 3975 से 4025, विजयनगर 3675 से 3825 रुपये के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ सूरतगढ़ 3675 से 3775 के भाव बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी जानकारियाँ अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए प्रसारित की जा रही है। आप हमारी कॉटन कॉम्प्लेक्स पर विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।